हेलो हेलो प्रकाश, कह रहे हो तुम? प्रकाश फौरन मेरे पास चले हो। लेकिन बात क्या, तुम घबराई क्यों? मैं तुम्हें फोन पर कुछ नहीं कह सकती, प्लीज। लेकिन अभी भी तो तुम्हें छोड़ कर आए। अगर तुम अब नहीं मिले तो मुझे जिंदगी भर नहीं देख सकोगे। लेकिन किरण बात क्या है, व्हाई कांट यू? प्लीज प्रकाश, व्हाई कांट यू टेल मी ऑन द फोन? प्लीज तुम आ जाओ। ओके मैं भी आया। तुम ठीक तो हो? क्या बात है, इतनी रात को मुझे क्यों बुलाया? अरे ये अंधेरा क्यों कर रखा है? मेरे हाथ से खून हो गया। हाँ किसका? आपका बिल। ये हमारा बिल नहीं है साहेब, मालिक तो यही देते रहे। जरूर इसमें कुछ गलती हो गई होगी। तुम जाओ, हम लंदन मियां से बात कर लेंगे। आदाब बजा लाता हूं कमिश्नर साहेब। हजूर ने नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। ये बिल जो आपने भेजा है इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? ये क्या फरमा रहे हैं हजूर? लंदन की लद्दयत में गड़बड़ हो सकती है, बिल में नहीं। फिर ये 3000? हाँ अल्लाह ने की दे। यूं कहिए कि कीमत में गड़बड़ है, बिल में नहीं। वल्ला आपकी समझ में जो आए वो दे दीजिए, आपके साथ तो। लेकिन हमारा ऑर्डर तो 2200 का था। बजा फरमाया लेकिन साहबदादे ने इसे 3000 रुपए का बनवा दिया था। प्रकाश ने बखुदा झूठ बोलूं तो कयामत के दिन मुंह काला शैतान का। हजूर जब मैं नाप लेने के लिए हाजिर हुआ तो बखुरदार ने इस महंगे वाले को पसंद किया। मैंने भी सोचा कि उनकी पसंद आप लोगों की पसंद। अरे लड़न में अल्लाह, बरखुरदार तशरीफ ले आए। क्या बात है? कुछ नहीं, ये जरा कालीन की कीमत की गड़बड़ चल रही थी। प्रकाश, इस कारपेट को बदलने के लिए तुमने कहा था? यस डैडी। अल्लाह ने की दे। क्यों डैडी, थोड़े से पैसों का फर्क था लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्वालिटी इंसान उस वक्त देखता है जब वो खुद कमाने लगे। बजा फरमाया। क्या मैं पूछ सकता हूँ जिस नौकरी के लिए तुम्हें भेजा गया था उसे छोड़ क्यों आए? ओहो डैडी, you know something? उन लोगों ने मेरा इंटरव्यू तक नहीं लिया, ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं किस काबिल हूँ और मुझे नौकरी दे रहे थे। हाँ, क्या वो लोग बेवकूफ थोड़े थे कि बगैर तुम्हारी काबिलियत जाने तुम्हें नौकरी दे देते? लेकिन वो दे रहे थे इसलिए कि मैं कमिश्नर खन्ना का बेटा हूँ। ओह आई सी, तो तुम समझते हो कि बिना मेरे नाम के तुम कुछ कर सकोगे? ओहो डैडी, आपका नाम मेरी इज्जत है लेकिन आपके पोस्ट से मैं फायदा उठाना पसंद नहीं करता। सुभान अल्लाह, तो क्या पसंद करते हो तुम? फजूल खर्ची, अवरा गर्दी, बेकारी। 2-2.5 हजार रुपए मुझे तनख्वाह मिलती है, उसमें घर का खर्चा, पोजीशन का ख्याल। अब मैं कब तक इसकी बेकारी का बोझ उठाता रहूंगा? अब जाने भी दीजिए ना, क्यों 4 आदमियों के सामने क्या दे सकते? डैडी ठीक कहते हैं, आज के बाद मैं इस घर में बोझ बनकर रहना पसंद नहीं करता। प्रकाश, प्रकाश जाने दो से। मैं जानता हूँ यह कितने पानी में है। सुभान अल्लाह, बाप हो तो ऐसा, वाह 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 वाह। लेकिन हजूर, बाप बेटे के पानी की इस नाप तोल में कहीं मेरा ये 3000 का पानी तो नहीं? आपको 2200 से ज्यादा एक पैसा नहीं मिलेगा, वरना ले जाइए अपना कारपेट। लेकिन हजूर, अब तो फिट हो चुका है, अब क्या हो सकता है? पूछिए उसी नालायक से जाके। पजा फरमाया, उसी नालायक से पूछ लेता हूँ। चलो लड्डन, इसी तरह कालीन बेचते रहे तो एक दिन खुद ही बिक जाओगे, घर में बोरिया बिस्तर भी नहीं रहेगा। पड़े पे आप हमने वो भी बिल वसूल किए बिना। ये लीजिए प्रकाश मियां, आपके वालिद बुजुर्गवार ने वापस कर दिया है जो अभी तार की। अब चिंता मत कीजिए लड्डन मियां, मुझे नौकरी का बुलावा आ गया, आपको अपना पूरा बिल मिल जाएगा। अल्लाह आपको नेकी दे, बिल तो हर शरीफ आदमी अदा कर देता है। फिर माशाल्लाह आपको ये बुलावा कहां से आया? बैंक से। अपना टेक डाउन लेटर प्लीज। सुनील एंड कंपनी बॉम्बे। यस सर, दिस इज टू ब्रिंग योर नोटिस वंस अगेन द अबव मैटर। He had also reminded you in this connection. Wider letter number 82374, dated 18376. Please intimate us immediately what has to be done to the above account so that we might. Short.
चलो, बेचारे की तो हाथ पांव तोड़ दूंगा। क्या हुआ साहब? संभालो इन्हें। आप जाओ साहब। शरीफ आदमी को तंग करते हो। ये लीजिए आपके पास। थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए सब ठीक ठाक है ना? ठीक हो गया। वेल डन प्रकाश, वेल डन। थैंक यू, थैंक यू। आइए। क्वाइट क्वाइट प्लीज, टेक योर सीट। ये लो माँ। ये क्या? ये मेरी पहली तनख्वाह है। आशीर्वाद दो। भगवान तुम्हें और भी तरक्की दे। माँ इसमें से 100 रुपया मिल सकता? क्यों क्यों? एक को खाने पे ले जाना। लड़का है या लड़की? ओ पिताजी आ गए। क्यों, क्या बात है? देखा, मेरा बेटा पहली तनख्वाह लेकर आया है। ओ मुबारक हो। आखिर बेटा किसका है? हम दोनों का। गुड लक। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बर्तन, टैंक है या परिस्तान। माफ कीजिए लड़न में आपको इंतजार करना पड़ा, मैं जरा मैनेजर साहब के साथ था। भाई प्रकाश मिया, अगर कोई और काम भी रह गया हो तो उसे भी निपटाई जी। अरे भाई मेरे, इस हसीन माहौल में तो हम सारी उम्र आपका इंतजार कर सकते हैं। वैसे आप आदमी काफी रंगीले हैं। मियां आप तो सिर्फ घी ले रह गए, रंग तो सब जवानी के साथ चले गए। वैसे माशाल्लाह आपकी नौकरी भी दिलचस्प है। जी हाँ लड़न मियां, ये रहे आपके पैसे। आ तो मैं खुद जाता लेकिन मुझे इतना काम था कि मुझे आपको बुलाना पड़ा। टूट गए भाई मेरे, जल्दी क्या थी। प्रकाश मियां, आपको इतनी अच्छी नौकरी मिली है, हम दावत खाए बगैर नहीं मानेंगे। ठीक है आपकी दावत उधार रही। लाहौल विला कुवत, आपकी दावत उधार, हमारी दावत न। आज आप हमारे साथ वो अंग्रेजी में दिन को क्या खाते हैं, वो लंच। जी हाँ, आज आप लंच हमारे साथ खाएंगे। प्रकाश मियां, आपने प्याज तो खाया ही नहीं। हमने एक अखबार में पढ़ा है कि 1 किलो प्याज रोज खाने वाले एक 80 साल के बूढ़े ने 160 के 168 शादियां की। जरूर की होंगी लड्डन मियां, प्याज की बदबू से उसकी हर बीवी भागी होगी। हो सकता है। आदाब लड्डन मियां, कहीं कैसे हैं? आदाब अर्जुन मार्शल साहब। हाँ इनसे मिलिए, यह है प्रकाश मियां, कमिश्नर साहब के बेटे। बम्बई की जबान में इन्हें मस्का वस्का लगाते रहिए अगर अपना होटल बंद नहीं करवाना है तो। हेलो सर। प्रकाश मियां, यह है मार्शल साहब, इस होटल के मालिक, मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट, यानी बहरे से लेकर सारा काम यही करते हैं। मतलब यह है कि जरा कंजूस है। लड्डन मियां, बात कंजूसी की नहीं है, बात है होटल की रेपुटेशन की, इसलिए सारे काम काज की देखभाल मैं खुद ही कर लेता हूँ। प्रकाश मियां कहाँ गुम हो गए? लड्डन मियां मैं अभी आया। माशाल्लाह माशाल्लाह, फूल चमन में तो बहुत देखे थे लेकिन स्विमिंग पूल पर पहली दफा देखा। मार्शल साहब ये तो गए दिल की बात करने, आइए हम बिल की बात कर लें। अभी मुझे आता हूँ। अरे मार्शल साहब मैं इस बिल की बात नहीं कर रहा, अपने गालीचों के बिल की बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो, आप यहाँ? जी हाँ, देखिए अजीब इत्तेफाक है, इतनी जल्दी 2 मुलाकातें। जी हाँ। बैठिए। ओ शुक्रिया। आप यहाँ? परदेसियों का ठिकाना होटल ही होता है। कहाँ से आई आप? दिल्ली से, आके बम्बई देखने आई। अकेले? जी हाँ, अभी तक कोई साथी नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है, आपने किसी को मौका नहीं दिया होगा। चलिए आपको दिया। जी वल्ला मियां फौरन थाम लो, अच्छा दोस्त और मन पसंद साथी बड़ी मुश्किल से मिलता है, और जब और जहां मिल जाए फौरन अपना लो। आ? जी लड्डन मियां मेरे दोस्त हैं। जी आपके दोस्त? जी हाँ वो। नाजनीन इन सफेद बालों पर मत जाइए, वो तो धूप की मेहरबानी है वरना दिल अभी तक काला है। मोहतरमा वैसे मुझे काले सफेद से बिल्कुल नफरत है, मेरा मतलब है ब्लैक एंड व्हाइट। लड्डन मियां भगवान के लिए खामोश हो जाइए। अरे प्रकाश मियां तुमने इतनी बड़ी शख्सियत का वास्ता दे दिया है, खैर कोशिश करता हूँ चुप रहने की, और अगर न रह सका तो गुनाह तुम पर और सवाब मुझ पर। ये लीजिए। अरे जीती रहो मोहतरमा, किसी ने तो बुढ़ापे की कदर की। लड्डन मियां अच्छा मियां सवाब तुम पर और गुनाह मुझ पर, अब तो खुश।
मोहतरमा मार्शल मियां बता रहे थे कि आप बंबई तफरी के लिए आई हैं। जी हाँ। वल्ला बहुत खूब, हम आपको सारी बंबई घुमाएंगे। जी देखिए ना, मोच आ गई। इस बुढ़ापे में हम आपको कहाँ कहाँ घुमाएंगे। हमारे ये जवान साल खूबरू प्रकाश मियां आपको घुमाएंगे। एक्सक्यूज मी मिस्टर डन, लाहौल विला कुवत मार्शल, तुम्हारा नाम किसी ने गलत रख दिया है। ऐसे लगता है जैसे मार मार के शल कर दिया हो। चलिए आइए, चलते हैं, जरा ठहरो बरखुदार, इन्हें अच्छी तरह से बंबई घुमा। बंबई की झिलमिलाती रोशनियां यहाँ से ऐसी लगती हैं जैसे बरसों से बिछड़े हुए प्रेमी को अपना प्यार मिल गया हो और उसके दिल के तार जगमगा उठे। लगता है आपकी बंबई प्यार मोहब्बत की यादों से भरी हुई है। बंबई का दूसरा नाम ही प्यार है किरण। यहाँ हर धर्म हर जाति के लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, हर जबान प्यार से बोली जाती है और हर दिल लगता है यहाँ के लोग पेट ही प्यार से भरते हैं। तुम्हें भूख लगी है, चलो। जो आपको पसंद आए। मेरी पसंद पसंद आएगी आपको? अब तक तो आ रही है। जी। दो लार्ज विस्की। यस मैडम। टूट गए भाई मेरे। वल्ला प्रकाश मियां, ये मत समझ लेना कि मैं जानबूझकर कबाब में हड्डी बनने आया। वो तो भूखा पेट था जो कदमों को खुद ब खुद इस तरफ ले आया। मोहतरमा आदाब बजा लाता हूँ। जीते रहिए जीते रहिए। टूट गए भाई मेरे। वल्ला बोतल पर शराब चढ़ी नजर आ रही है। बोतल पर शराब? किरण बिहेव योरसेल्फ। माशाल्लाह माशाल्लाह। किरण प्लीज, क्या कर रही हो तुम? मोटी, क्या रहा नहीं? किरण, ये क्या बदतमीजी? क्या किया मैंने? मोटी को मोटी बोला? डोंट बी मोटी। मोटी तुम्हारी माँ। मोटी मेरी माँ। किरण माँ का नाम लेती है। मोटी 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 मोटी। छोड़ दे मुझे। छोड़ दिया? सुनिए तो, ये तो शराब का नशा है। इसमें भिंडी भी लौकी नजर आती है, नींबू संतरा नजर आता है और खरबूजा तरबूज। इनके कहने से आपके पतले जिस्म में क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम्हें एक समझदार आदमी नजर आता है। अच्छा, आपने आदमी तो समझा। बेगम अब आप जाइए, खाना खाइए। कितनी दुबली नजर आ रही है। नहीं, नहीं आऊंगी मैं। किरण, तुम क्या समझते हो नशे में हूँ? मैंने कब कहा? मैं बिल्कुल होश में हूँ। देखो सब नजर आ रहा है। तुम्हारा नजर नहीं आ रहा है? वो देखो, उस आदमी के सर पे बाल नहीं है। किरण प्लीज। क्या है? कुछ नहीं मियां, बुरा नहीं मानो, जरा चढ़ गई। उतार दीजिए वरना कोई और उतार देगा। किरण, किरण, सॉरी। ऐसा करो, इनको ठंडे पानी से क्या कहते हैं उसे स्नान करवा दो। यू आर राइट मिस्टर। लेट देम डन। चलो बेटा स्विमिंग कर ले। आप भी चलिए। किरण, ये क्या रहे होती? चलो पीते हैं जरा पी वो न हमको पीने देते हैं। बड़े वो हैं न पीते हैं न हमको जीने देते हैं। किरण, तुम्हारी हरकतों से मुझे शर्म आ रही है। ये बड़े शर्म की बात है कि आप शर्माते हैं। बड़े शर्म की बात है कि आप शर्माते हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि आप शर्माते हैं। मर्द हो क्या आदत बात सब रहते हैं।
ये ले साहब आपका टेलीफोन। चल एक गेम और। चाय पियोगी? हेलो हेलो प्रकाश, मैं तुम्हारी किरण बोल रही हूँ। अरे रामू, टेबल पे नाश्ता लगाना। बोलो। नाराज हो मुझसे? तुमने हरकत जो ऐसे की। अच्छा बाबा, माफ कर दो ना। कहते हैं रूठे रब को मनाना आसान है, लेकिन रूठे यार को मनाना बहुत मुश्किल। और इसी मुश्किल को हल करने के लिए मैंने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है कि जिंदगी में फिर कभी ड्रिंक नहीं करूंगा। सच? तुम्हारी खामोशी का मतलब समझो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। ठीक है, समझ लो। थैंक यू प्रकाश। अगर मैं ना आया तो फरहाद की शीरी की तरह, मजनू की लैला की तरह, रोमियो की जूलियट की तरह मैं तुम्हारा इंतजार करते करते पत्थर की मूरत बन जाऊंगी, ताकि हर प्रेमिका को सबक मिले कि अपने प्रेमी के साथ कुछ भी करो, लेकिन शराब पीकर कभी उसे तंग मत करो। तुम बहुत बोलने लगी हो किरण। यहाँ जाओ, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे। ओके, बाय बाय। बाय बाय। प्रकाश चाय पियो? नहीं माँ। डैडी, मेरा एक दोस्त दिल्ली से आया है, उसे घुमाना फिराना है, आपकी जीप ले जाऊं? नो सन, सॉरी। अरे दे दो ना, आज तो छुट्टी है, तुम्हें तो कहीं जाना नहीं। अरे ये सरकारी जीप है, सरकारी कामों के लिए, प्राइवेट इस्तेमाल के लिए नहीं। कोई बात नहीं माँ, मैं टैक्सी में चला जाऊंगा। अरे कब आए तुम? अभी सोचा इससे पहले कि खूबसूरत जिस्म मूर्ति में तब्दील हो जाए पहुंच ही जाना चाहिए। इतना ही ख्याल था तो जरा सी बात पे नाराज क्यों हो गए? जरा सी बात? औरत इस संसार को चलाने में सबसे बड़ी मददगार होती है किरण, क्योंकि वह इंसान को जन्म देती है। उसकी अच्छी बुरी किसी भी आदत का असर पैदा होने वाले पर पड़ता है। और शराब? हे भगवान, इतनी दूर तक तो मैंने सोचा भी नहीं था। वैसे एक बात बताऊं, कल मैंने जिंदगी में शराब पहली बार पी थी, और वो भी तुम्हें आजमाने के लिए। सच? एक ऐसी लड़की जो दिन भर एक आदमी के साथ घूमे, रात को नशे की हालत में वो आदमी उसे कमरे तक छोड़ने आए, अगर वो आदमी शरीफ नहीं है तो तनाई का फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन तुम्हारी शराफत। हे भगवान, सुना तो था लेकिन आज यकीन भी हो गया। क्या? आज के जमाने में शरीफ आदमी बेवकूफ कहलाता है, पर अब तुम्हारी नजरों में शरीफ बनने के बाद
मुझे भी अपना नाम उसी लिस्ट में लिखवाना पड़ेगा। तुम्हारा नाम कहीं और लिख दिया है। कहाँ? दिल में। पढ़ के देखो।
दीवाने तुम्हारे हैं आशिक पुराने, दीवाने तुम्हारे हैं आशिक पुराने। ये पुराने है किससे नहीं है ये बातें, हुई जो इशारों में चलो बात किया तुम घबराई क्यों? मैं तुम्हें फोन पर कुछ नहीं कह सकती प्लीज। लेकिन अभी भी तो तुम्हें छोड़ कर आए। अगर तुम अब नहीं मिले तो मुझे जिंदगी भर नहीं देख सकोगे। लेकिन किरण बात क्या है? Why can't you? प्लीज, Why can't you turn on the phone? प्लीज, तुम आ जाओ। ओके, मैं भी आया। कहाँ जा रहे हो तुम? चलिए एक काम है, मैं भी आया। इस वक्त रात के 1 बजे बहुत बुरी बात है। ये आवारगी मुझे पसंद नहीं। लेकिन डैडी मैं तो रोज रोज नहीं जाता, काम वहाँ पर है, मुझे जाना है। बहुत सकता है सुबह नहीं हो सकता। डैडी मेरी भी जिंदगी है, सर्कल है, प्रॉब्लम है। मैं तो बच्चा नहीं, जो अपना छपरा नहीं सोच सकता। तुम ठीक तो हो? क्या बात है इतनी रात को मुझे क्यों बुलाया? अरे ये अंधेरा क्यों कर रखा है? मेरे हाथ से खून हो गया। हाँ किसका? किरण, ये सब कैसे हुआ? बोलो किरण, बोलो। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया प्रकाश। मैं जानता हूँ किरण, लेकिन ये सब हुआ कैसे? 1 महीना पहले मैं एयरपोर्ट से टैक्सी में आ रही थी। टैक्सी वालों ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की और मेरे हाथों उनमें से एक का खून हो गया। क्या? टैक्सी वाला तो भाग गया, लेकिन दूसरे दिन से मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जानी। ओह, ब्लैकमेल! और तंग आकर मैं इस होटल में रहने आ गई। सोचा इन लोगों से बची रहूंगी, लेकिन आज जब कमरे में दाखिल हुई तो यह पहले से मौजूद था। इससे पहले मैं कुछ करूं, उसने मुझ पर हमला किया, उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। प्रकाश, अचानक मुझे तुम्हारा ख्याल आया। मेरा ये जिस्म, मेरी ये सांसें सब तुम्हारी है। मैंने इसी के चाकू से इसे खत्म कर दिया। मेरी कमी मैं खुद भुगतूंगी प्रकाश, लेकिन चाहती थी बदनामी और खूनी का नाम लगने से पहले एक बार तुमसे मिल लूं और सच्चाई बता दूं। तुमने बहुत अच्छा किया करण, लेकिन देखो तुम जल्दी से ये होटल का कमरा छोड़ दो। चलो उठो, जल्दी करो। इससे क्या होगा? रजिस्टर्स होने मेरा नाम पता मिल जाएगा।
डैमिट। और पानी, मेरी जिंदगी के दागों को कोई नहीं धो सकता प्रकाश। पुलिस को फोन करो। पुलिस? जाओ, पुलिस को फोन करो। पुलिस को बुलाना था तो मुझे किस लिए बुलाया? किरण, प्रेमी प्रेमिका के गले में बाहों का हार देखना चाहता है, फांसी का फंदा नहीं। लेकिन अब क्या होगा, क्या करें? किरण, तुम जल्दी से कपड़े बदलो और सुनो, जब तक मैं वापस ना हूं दरवाजा मत खोलना। चलो चलो, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा कर भागा हूँ, साली पीछे ही पड़ गई थी। लड़कियों के बारे में आपको अपना इंटरनेशनल तजर्बा बताता हूँ। अमेरिका में लाखों रुपए थे तो लाखों छोकरियाँ थी, लंदन में हजारों रुपए थे तो हजारों छोकरियाँ थी। जब मैं हिंदुस्तान पहुंचा तो एक ही रुपया था और एक ही छोकरी छोड़ के भाग गई थी। इसीलिए किसी फिलोसफर ने कहा है, द मनी इज टाई ऑफ ऑल टाइज विच कैन टाई एंड अनटाई ऑल टाइज। हिंदुस्तानी में पैसा तमाम गांठों की गांठ है, और जो कि हर बंद गांठ को खोलता है और हर खुली गांठ को बंद करता है। फिलहाल आप अपनी गांठ बंद कीजिए, बाहर जाने का रास्ता कहां है? जी मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। आइए, दिस वे सर। थैंक यू सर। ओ ओ, हेलो मिस्टर प्रकाश, कैसे हैं आप? मैं सर जल्दी में हूं। गुड नाइट मिस्टर प्रकाश, गुड नाइट। ज्यादा पी रखी है क्या? ए, मेरे से भी नहीं हूँ। अपन शराब खराब नहीं करता, रॉन्ग साइड भी तू। अबे ब्योड़े की औलाद, रॉन्ग साइड पे मैं हूँ या तुम हो? ए, चला अपन गाड़ी में। अरे साला होगा तेरा बाप, चल गाड़ी हटा। ए, बाप घर में उठा के दूंगा। अबे चल चल गाड़ी हटा। ए, धक्का मार मार। अरे नहीं उठूंगा, क्या करेगा तू? क्या करूंगा, एक दूंगा रख के। ए, अभी बता तू क्या करेगा। ए मिस्टर, शराब पीकर तो चूहा भी शेर बन जाता है, समझे? चूहों को चूहा बन जाए? अरे हम तो शेर है, शेर हूँ मैं। देखो मैं तुम्हें, तुम ऐसे नहीं मानने वाले। ए, 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 हीरो घर में हाथ बना रहा है। हाथ मत लगा रहा, बोल दो तुम्हें तेरे को हाथ मत लगा रहा, हाथ मत लगा रहा। साहब के बेटे कमिश्नर साहब मर गए।
इसे ले चलो। मैं खा लेके जाएगा, मुझे घर छोड़ देंगे ना? ठीक है चलेगा, घर छोड़ दीजिए। मिस्टर प्रकाश, ये गाड़ी आपकी है? जी हाँ, क्यों? मेरे साथ आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, देखिए मैं डैडी का एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, अगर मैं लेट हो गया मेरे लिए आपको पुलिस स्टेशन ले जाना ज्यादा जरूरी। इंस्पेक्टर साहब मेरी पुलिस स्टेशन प्लीज। जाना है प्लीज, जो कुछ करना है बाद में कर लीजिए। आप तशरीफ तो रखिए। ओ इंस्पेक्टर साहब, मेरी समझ में नहीं आता कि आप मुझे रोक क्यों रहे हैं। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, जो कुछ पूछना है कल पूछ लीजिएगा। तो ये गाड़ी आपकी है? जी। आपको कोई शक है? आप एक जिम्मेदार ऑफिसर के बेटे होकर झूठ बोल रहे हैं। क्या मतलब? इसलिए कि सब लोग जानते हैं कि कमिश्नर साहब के पास सिर्फ एक जीप है। मेरे दोस्त की गाड़ी है, जब मेरे पास है तो मेरी है। आप जिस गाड़ी को अपनी अपने दोस्त की बता रहे हैं, वो गाड़ी चोरी की है। जी हाँ, शाम से पुलिस इसकी तलाश में है और इसका मालिक अभी आता होगा। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। वल्ला आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बारिश हो रही है घर जाके। अरे प्रकाश मियां, तुम यहाँ? जी मैं। आप इन्हें जानते हैं? वल्ला इंस्पेक्टर साहब, मैं इनके बाप को भी जानता हूँ, वो मेरे जिगरी दोस्त हैं और ये जिगर के टुकड़े। ओ, आपकी गाड़ी इन्हीं के पास थी? जी। लगन मियां, आप भूल गए? लानत हो इस बुढ़ापे पर, सब चीज को तो कमजोर करता ही है, याददाश्त को भी कमजोर कर दिया। अब देखिए ना, सुबह खुद ही बरखुरदार को इन हाथों से चाबी दी और खुद ही भूल गया। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम बहुत शर्मिंदा हैं, इसमें प्रकाश मियां का कोई कसूर नहीं। लडन मियां, आप इन्हें समझाइए, मैं चलता हूँ। लेकिन मैं आपकी गाड़ी सुबह तक पहुंचा दूंगा। कमाल है लडन मियां, आपकी इस भूल ने हमें बहुत परेशान किया। हजूर, आपका तो काम ही परेशान होना और लोगों को परेशान करना है। वैसे आप जो जुर्माना कहें मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप इसमें दस्तखत कर दीजिए कि आपको आपकी गाड़ी मिल गई। अंगूठा नहीं चलेगा। कौन हो? लेकिन मैं पूछता हूँ तुम कौन? मैं पूछता हूँ तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो? किरण कहाँ है? किरण? यहाँ कोई किरण नहीं रहती। अरे किरण, अरे तुम अंदर जाते कहाँ हो? अरे हटो मेरे रास्ते से। बैठे मेरी ये ये होटल है, ये पचार खाना, तुम उस तरह मत जाना। यू गुंडा, मैं तुम्हें पुलिस में अभी बंद करा दूंगा। मेरी ये पुलिस के बच्चे किरण कहाँ है? मेरी यहाँ तक मैनेजर, ये होटल है, ये गुंडों का अड्डा। गुंडा बोला तो बच्चे के बच्चे बाहर निकाल के रख दूंगा, समझे? ठीक है, जरा जोर से काम लीजिए। मिस्टर प्रकाश, इस तरह किसी कमरे जोर से घुसाना सिर्फ काम। लेकिन मैनेजर, ये किरण का कमरा है, किरण को मैं यहाँ छोड़ के गया था। Who's this man? जनाब, ये किरण का कमरा है नहीं, था। What do you mean? वो अब से 3 घंटे पहले सिर्फ कमरा ही नहीं बल्कि होटल छोड़ के जा चुकी। होटल छोड़ के? की तस्वीर पेपर में देख चुका हूं, पानी की वजह से फूल गई है। क्या कहा? क्लू मिल गया? वेरी गुड, फाइन। अच्छी बात है, मैं अभी आता हूं। मालती
चली गई थी तुम? मैं होटल में क्या था वहां से पता चला तुम चेकआउट कर गई हो, लेकिन तुम भूल कहां से रही हो उस वक्त? किरण आप जो वो तो ठीक है किरण, लेकिन मेरी फोन गिरा दे दिया। अस्सलाम वालेकुम प्रकाश मियां। ओ लडन मियां नमस्ते। भाई इसे कहते हैं दिल की लगी, हम यहाँ से तुम्हारे यहाँ आने वाले थे। जी मेरे यहाँ क्यों? भाई वो अपनी रोड रॉयस वापस लेनी है ना। ओ लडन मियां माफी चाहता हूँ, मैं बस यहाँ से आपके पास आने वाला था। ये लीजिए आपकी चाबियां। भाई माफ करना, हमें गली से कहीं भिजवाने थे, अगर तुम्हें चाहिए तो हमारी पेट ले जाओ। डूब गए भाई मेरे, कमिश्नर साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम कमिश्नर साहब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं एक दोस्त से मिलने आया हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मार्शल है, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, कहिए क्या खदमत कर सकता हूँ? मिस्टर मार्शल मैं आपके होटल की तलाशी लेना चाहता हूँ। तलाशी क्यों? आज सुबह समंदर के किनारे एक लाश मिली जो एक कंबल में लिपटी हुई थी, और उस कंबल पे आपके होटल का मोनोग्राम है। इस होटल का मोनोग्राम? प्लीज कम टू माई ऑफिस प्लीज। लहू पुकारेगा आदमी का। कहते हैं कि कातिल कोई ना कोई निशानी छोड़ ही जाता है, खून ही पकड़ा जाएगा, और वो भी आपके वालिद बुजुर्गवार के हाथों। हमें प्रकाश मियां जी तुम कहां खो गए? प्रकाश को कामत क्या प्रकाश को बोला ना? मिस्टर प्रकाश आपको कमिश्नर साहब ने बुलाया, उनसे कहिए मैं जल्दी में हूं, घर पे मिल लूंगा। हाँ ये बुलावा आपके डायरी का नहीं है, पुलिस कमिश्नर साहब का है। आइए। कमिश्नर साहब हमारे होटल की अपनी एक रेपुटेशन है, आपने मुझे बुलाया है। हाँ कल रात तुम यहाँ क्या कर रहे थे? कमिश्नर साहब कंबल के बयान के बारे में पूछ रहे थे, उसमें आपका नाम आ गया। आप मुझे अकेले मिले थे मिस्टर मार्शल, मेरे साथ कोई लाश या होटल का कंबल नहीं था। ये मैंने कब कहा? फिर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं जो पूछ रहा हूँ पहले उसका जवाब दो। मैं लडन मियां के साथ था। यस सर। लडन मियां जरा इधर आइए। खैरियत तो है? कल मिस्टर प्रकाश आपके साथ थे? आपने तो देखा था मेरे साथ थे, और बहुत रात तक थे। लेकिन ये किचन के दरवाजे से जाने की क्या जरूरत थी? वो मैं अर्ज करता हूँ कमिश्नर साहब, बात दरअसल ये है कि पार्टी चल रही थी और हमारे दोस्त इन्हें शराब पीने पर मजबूर कर रहे थे। प्रकाश मियां शराब पीते नहीं, इन्होंने यही सोचा कि बेहतर यही है कि किचन के दरवाजे से चले जाओ। वल्ला बहुत नेक है आपकी तरह, अल्लाह ने और नेकी थी। आप इस पे बहुत मेहरबान होते जा रहे हैं। मेहरबानी तो अल्लाह की चाहिए, मैं तो आपके कदमों में कारपेट। जाइए 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 लड्डन मियां, बजा पर मियां, और तुम भी जाओ सीधे घर। आ जाओ मियां। क्या बात? साहब एक आदमी मिला था, कहने लगा कमरा नंबर 104 में साहब को भेज दो। कौन है वो? जी मैं तो नहीं जानता, लिफ्ट में मिले थे, 10 रुपए दिए, कहने लगे आप उनसे मिल लीजिए, फायदे में रहेंगे। 104 है जी। कौन हो तुम? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तस्वीर में लाश का चेहरा और कार का नंबर साफ है जो पुलिस रिकॉर्ड में रजिस्टर है। अगर ये तस्वीरें कमिश्नर खन्ना को मिल जाएं, तो कानून के इतिहास में बाप के हाथों बेटे को फांसी तक पहुंचाने की कुर्बानी अमर हो जाएगी। क्या चाहते हो तुम? कल सुबह 7 बजे कमिश्नर साहब की जीप लेकर खोड़बंदर फोर्ड में मिला। लेकिन लेकिन मेरे डैडी की जीप से तुम्हारे क्या मतलब? ठीक 7 बजे वरना 8 बजे तस्वीरें पुलिस स्टेशन में होंगी। लेकिन, लेकिन लेकिन तुम्हारा मतलब क्या है? किरण कहाँ है? सब कुछ तुम्हें वहीं मालूम हो जाएगा। 7 बजे कमिश्नर साहब की जीप के साथ। हेलो हेलो Thank you.
प्रकाश मेरा छोटा सा काम कर दो क्या मुझे थोड़ी देर के लिए डैडी की जी ना बाबा तू तो जानता है अपने डैडी को उन्हें पता चल गया तो सारा ट्रिक सर पे उठा लेंगे माँ तुम उन्हें समझा दोगी तो वो कुछ नहीं करेंगे सिर्फ एक घंटे का सवाल है बहुत जरूरी काम है अगर इतना जरूरी काम है तो टैक्सी में क्यों नहीं चला जाता ओहो माँ मैं तुम्हें कैसे समझाऊं भाई तो मुश्किल है यार टैक्सी स्ट्राइक है वरना मैं खुद कभी जीत नहीं पाता मेरी मदद करो कमिश्नर साहब तुम्हारे शिकंजे में इसलिए तुम मेरा नाजायज फायदा उठा रहे हो एक बार मेरे सामने आ गए ना तो मैं मिस्टर प्रकाश मैं बिल्कुल आपके पीछे खड़ा हूँ लेकिन अफसोस है कि ना तो आप मुझे देख सकते हैं और ना मुझे पकड़ सकते हैं अगर आप अपनी महबूबा की शरीयत चाहते हैं तो रोड नंबर 10 जूहू पार्ला स्कीम पर जो नई इमारत बन रही है वहां पहुंच जाइए बाय 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 अगर सुनो सुनो कहां से आ रहे हैं मैं पूछ रहा हूँ, कहां से क्या रहे हैं, इसे आपको क्या मतलब? नहीं ये भी बताना जरूरी नहीं, मिस्टर इंस्पेक्टर, आप इस वर्दी का कुछ ज्यादा फायदा उठा रहे हैं आप शायद जानते नहीं कि उतरा भी जा सकती है फर्ज के निभाने में वर्दी तो क्या अगर जिस्म की खाल भी उतर जाए तो इसमें सफाई की शान होती है ओह कम ऑन स्टॉप स्टॉप मिस्टर प्रकाश हमारी आपके कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है सिर्फ इंफॉर्मेशन है भगवान करे वो सच ना हो अगर वो गलत है तो मैं आपसे और कमिश्नर साहब से रिटर्न माफी मांग लूंगा ओके कम ऑन हरी अप हरी अप मुझे आपके भी तलाशी लेनी कम ऑन कम ऑन साहब मिल गया क्या मिल गया
साहब, ये किसी की चाल है, ये यहाँ कैसे है मैं नहीं जानता। सच प्लीज मेरी बात सुनिए, सुनिए वकील साहब प्लीज। पुलिस हेडक्वार्टर्स। यस। आईजीपी साहब, इंस्पेक्टर कामत हियर। यस साहब, वो खबर बिल्कुल सही थी। कमिश्नर साहब की जीप के साथ प्रकाश खन्ना को रंगे हाथों पकड़ लिया। प्रकाश को पैदा करने का ब्याज भी चुक गया, मुझे सस्पेंड कर दिया गया। मगर इसमें आपका क्या दोष? आपको क्यों सस्पेंड किया गया? तुम्हारे बेटे, तुम्हारी जिद, तुम्हारी लाड़ की वजह से। मैंने तुम्हें हमेशा रोका कि उसे इतना प्यार मत दो, मत ज्यादा सर पे चढ़ाओ उसे, लेकिन तुम नहीं माने और आज यह है उसका अंजाम। ममता आपके नियमों की तरह मजबूत नहीं होती। ममता, ममता, इसी ममता की कमजोरी ने 30 साल की नौकरियों बनी बनाई इज्जत को इस पल में तोड़ डाला।
मुझ जैसे ऑफिसर के लिए ऐसी जिद्दत मौत के बराबर है। अब तुम्हारी ममता का क्या होगा जब सारी दुनिया तुम्हारे बेटे को चोर स्मगलर और मुजरिम कहेगी, जब उसकी सारी जवानी जेल की चक्की में पिस जाएगी। नहीं भगवान के लिए एक बार मेरे बेटे को बचा लीजिए। कमिश्नर साहेब, यस, बहुत अफसोस हुआ, बखुदा प्रकाश मियां ऐसी हो ही नहीं। मैं प्रकाश का नाम इस घर में सुनना नहीं चाहता। मुझे आपसे हमदर्दी थी। नहीं चाहिए मुझे आपकी हमदर्दी। समझ से काम लीजिए कमिश्नर साहब, मैं आपके दुख को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन हालात के दायरे को तोड़ने की कोशिश करना चाहिए, उससे निकलना चाहिए। आप कौन होते हैं मामला में दखल देने वाले? कमिश्नर साहब, मैं आपका दुश्मन नहीं जो खामोश रहूं। प्रकाश बाबू को जरूर फंसाया गया है, अगर एक बार उन्हें सजा हो गई तो जेल की सख्तियां वाकई उन्हें मुजरिम बना देंगी। बनने दीजिए थे मुजरिम, मिटने दीजिए थे, मेरा उसके साथ कोई वास्ता नहीं। कमिश्नर साहब, चले जाइए यहां से। जाता हूं, लेकिन खन्ना साहब जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। आपके सीने में हमदर्द इंसान का दिल। कमिश्नर साहब, जवान तमन्नाएं, जवान खून, सजा की कालत में खुद कर उसे बागी बना देंगे। कहीं उसने जमाने से पता लिया तो भगवान के लिए आप यहां से चले चलिए। जाता हूं। खन्ना साहब, आप अपने उसूलों के लिए किसी की भी कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन मैं एक दोस्त के नाते उसे बर्बाद होने नहीं दूंगा, उसे बचाऊंगा इंशाअल्लाह। चलिए, आपको सामने बुलाया है। मिस्टर प्रकाश, आपकी जमानत हो चुकी है, चलिए। लड्डन भैया, मैं आपका एहसान मंद हूं। प्रकाश मियां, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारे होते हमारा दोस्त लाखों में रहे। चलो मियां। लड्डन मियां, जमानत बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है, तारीख के दिन ये ख्याल रखिएगा कि ये अदालत में जरूर पेश हो। अदालत में तो आऊंगा इंस्पेक्टर साहब, लेकिन असली मुजरिम को साथ लेकर। प्रकाश, ठहरो, मैं एक मुजरिम के कदम इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये आपको क्या हो गया है? अगर तुम्हारी ममता मेरे हुक्म से ज्यादा जरूरी है तो तुम भी जा सकती हो। भगवान के लिए दो मिनट तो मुझे उससे बात कर लेने दो। हाँ हाँ, जाके बात करो, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर जाकर। प्रकाश, ये सब क्या हो रहा है? क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा करने की? माँ, क्या तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं? मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूँ माँ, के जो कुछ हुआ मुझे फंसाया गया है। क्या? हाँ माँ, और अगर तुम्हारा आशीर्वाद रहा तो मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं बेकसूर हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। लगन मियां, फरमाइए। मेरे प्रकाश का ख्याल रखिएगा। आप बेफिक्र रहिए, हमारी नजर में ये मुजरिम नहीं। खुदा हाफिज़। और जब मैं होटल वापस पहुंचा तो किरण वहां से जा चुकी थी। प्रकाश मियां, आजकल की लड़कियों से खुदा बचाए, इतनी मासूम सूरत और इतनी जालिम हरकतें लाहौल बिना को। नहीं लड्डन मियां, मैंने किरण को बहुत करीब से देखा है, अचानक उसकी क्या मजबूरी है? आमा हटाओ प्रकाश मियां, मजबूरी मजबूरी काहे की? उसने बंबई घूमने का बहाना करके आपसे दोस्ती की, आपकी मोहब्बत का फायदा उठाकर आपसे लाश फिकवाई, और आपके वालिद बुजुर्गवार की जीप लेकर। लड्डन मियां, आप किरण को गलत समझ रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है वो बेकसूर है।
और मुझे यकीन है कि वो एक जहर है, आपकी जिंदगी को परवाने की तरह जला देने वाली शमा। नहीं लड्डन मियां, शमा कभी परवाने को नहीं जलाती, वो तो लोगों के हाथों जलकर दूसरों को रोशनी देती है। डूब गए भाई मेरे, ये तो अच्छा खासा शायरी का दंगल हो गया। अरे शायरी से याद आया, आज नवाब साहब के यहाँ मुशायरा है, चलो बाकी शायरी वहीं पूरी कर लेंगे। आप चलिए लड्डन मियां, मुझे कहीं रहने का इंतजाम करना। ये आई के अए दीवाने, ना तो हिंदू ना मुसलमान, दिले इंसान है ये। आइए लड्डन मियां, खुशामदी। रहे नसीब नवाब साहब, महफिल तो बड़े शबाब पर है। नवाब साहब इनसे मिलिए, ये हमारे दोस्त प्रकाश मियां। आदाब बोलते हैं। आप प्रकाश मियां हो? कहिए लड्डन मियां, हजूर शमा के लिए क्या लाए हैं आप? हजूर वही जो हमेशा परवाने लाते हैं। अच्छा, तो फिर फरमाइए क्या अर्ज किया है। रोशनी इसकी दो घड़ी की है, साथ ये रात का नहीं रखती, ये जलाती है जल के औरों को। बोले प्रकाश मियां में वफा है, वफा नहीं रखती। हजूरे अली, कुछ आप भी इरशाद फरमाइए। जी मैं, हाँ हाँ हो जाए प्रकाश मियां, हो जाए इरशाद। शमा की रोशनी के मतवालो, इसका जलना भी एक राज होता है। वाह वाह, इसका रोना है दूसरों की हंसी, सोज में इसके साज होता है। अरे सुभान अल्लाह, वल्ला क्या मैदान बना है। अरे हजूर सवार भी तैयार है, प्रकाश में बैतबाजी हो जाए, दो दो शेर हो जाए, चलिए। अजी तकल्लुफ कैसा, हुजूर अली शमा भी है, सोज भी है, साज भी है और शबाब भी है। खबर नहीं तुझको ये सबको पता है, तो शमा बेवफा है, 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 शमा बेवफा है। ओ अनजाने तू क्या जाने, ओ अनजाने तू क्या जाने, खबर नहीं शमा चीज क्या है, 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 शमा चीज क्या है। कदर प्यारी है ये चिंगारी सोचने हमसे, खेल मत हमसे, सोचने हमसे, खेल मत हमसे, सोच ले हमसे, खेल मत हमसे, सोच ले हमसे, किस कदर प्यारी है ये चिंगारी सोचने हमसे, खेल मत हमसे। आग को पानी जान मत जानी, आग को पानी जान मत जानी, इश्क भोला है हुस्न शोला है, इश्क भोला है हुस्न शोला है, जो नजदीक आया है वो जल गया है, कि शमा बेवफा है, 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 शमा बेवफा है। Thank you.
क्षमा जलती है, गम की यादों में दिल के वादों में, गम की यादों में दिल के वादों में, पूछ यारों से बेदरारों से, पूछ यारों से बेदरारों से, कुछ आना है हमने माना है, मगर क्या कभी विश्व तूने किया है, मगर क्या कभी विश्व तूने किया है, क्षमा चीज क्या 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 है। कहां चले गई थी तुम? होटल क्यों छोड़ दिया? तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान था, कम से कम फोन तो कर दिया होता। क्या बदतमीजी है, दिमाग खराब है आपका? किरण, ये मजाक करने का वक्त नहीं है, प्लीज हाथ छोड़ दो मेरा। छोड़ दो सिरे किरण, मैं कहती हूं मेरा हाथ छोड़ दो। किरण, किरण प्लीज मेरी बात तो सुनो। किरण, किरण प्लीज, किरण क्या बात? पता नहीं पिताजी, ये हजरत अचानक इनका हाथ पकड़ कर खींचने लगे। मिस्टर, तुमको शर्म नहीं आती? क्या हो गया तुम्हें? मुझ समाज को जबान संभाल के बात कीजिए, समझे आप? क्या नहीं दीजिए पिताजी, ऐसे लोगों के मुंह क्या लगना? किरण, क्या ये नाटक जरूरी है? यू शट अप, ये किरण नहीं है, ये मेरी बेटी है ज्योति, यू अंडरस्टैंड? ज्योति? किरण, इस तरह मेरी बेइज्जती करवा के तुम्हें क्या मिलेगा? बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत, जो लड़का बाप की वर्दी धोवा दे उसकी क्या इज्जत? अरे ये तो प्रकाश खन्ना है, कमिश्नर खन्ना का बेटा, शरीफ बाप की नालायक औलाद। जी जी जी, ऐसे आदमी को महफिल में किसने बुलाया? अफवाह बंद करो, नहीं तो एक एक का मुंह तोड़ डालूंगा, समझे? प्रकाश मियां, ठहर जाइए, आप मेरे साथ आए हैं, आपकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। जज साहब, किसी के गिरेबान पर हाथ डालने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांक लिया होता, शायद किसी की शराफत का जनाजा उसमें दफन। शराफत? भरी महफिल में किसी की बहू बेटी की इज्जत पर हाथ डालना कहां की शराफत? किसी की बहू बेटी को किसी दूसरे की जिंदगी के साथ खेलने का क्या हक है? आप लोग ये देखते हैं कि क्या हुआ, किसने किया, ये नहीं देखते कि क्यों हुआ। इसलिए कि दुनिया का दस्तूर है कि बद अच्छा और बदनाम बुरा, यही ना? प्रकाश मियां ने एक लड़की से प्यार किया, उसे बचाने के लिए जुर्म किया,
फिर एक जुर्म दूसरे जुर्म को जन्म देता रहा, यहां तक कि उनके वालिद की वर्दी उतर गई और दुनिया ने इन्हें गुनहगार कहा। लेकिन ये महापत के मंदिर का देवता है, और जानते हैं कि इस देवता को रुस्वा किस देवी ने किया है? मैं बताता हूं, मुझसे पूछो। नहीं मैडम, या प्लीज, किसी का राज अपना ईमान होता है और उसकी हिफाजत ही इंसान का सच्चा धर्म है। प्रकाश मियां, जब तक इन जालिमों को मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, ये इसी तरह जुल्म करते रहेंगे। प्यार दिलों का अटूट बंधन होता है, वो भला जुल्म की परिभाषा क्या जाने। रूप रंग जिस्म सब किरण जैसा हो सकता है, लेकिन वो दिल नहीं जो अपने प्रकाश को धोखा दे सके। सॉरी नवाब साहब, मेरी वजह से आपकी महफिल खराब हुई। मैं आप सब लोगों से और ज्योति जी से माफी चाहता हूं। चलिए लड़न मियां। आकाश मियां, आप कहते हैं तो मैं खामोश रहूंगा, लेकिन जैसा आप इतना जरूर कहूंगा कि हर इंसान को उसकी करने का फल इसी दुनिया में मिलता है, और हर करने वाले को मिलेगा इंशाल्लाह। चलिए प्रकाश मियां। लगन मिया, क्या बात है प्रकाश मिया, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ लगन मिया, प्रेम की पवित्रता पर चढ़ी हुई धूल को भगवान ने साफ कर दिया है। ज्योति ही किरण है और उसने मुझे बुलाया है। अल्लाह का शुक्र है, अब तो हम आपको मान गए। प्रकाश मिया, आपने ठीक कहा था, क्षमा क्या चीज है, ये आप हमसे बेहतर समझते हैं। मैं चलता हूँ लगन मिया। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। ज्योति, प्रकाश मुझे माफ कर दो। और ज्योति, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे प्यार का धोखा दिया। लेकिन यकीन मानो मैं बहुत मजबूर थी। मैं जानता हूँ ज्योति, और मुझे यह भी यकीन था कि मेरा प्यार जमाने की चालाकी का शिकार तो हो सकता है, बेवफा नहीं। मैं बेवफा नहीं हूँ, सिर्फ एक कठपुतली हूँ जो एक जालिम के इशारों पे नाचने के लिए मजबूर थी। कौन है वो? मैं नहीं जानती, लेकिन उसने क्या कुछ नहीं करवाया मुझसे। एक जज की बेटी होकर रातों को होटलों में रही, शराब पीने का बहाना बनाकर लड़खड़ाई। तुम जैसे मासूम इंसान को मोहब्बत के फंदे में बांधकर तुमसे मैंने लाश बिकवाई। काश उसे जानती प्रकाश, तो अपनी खानदान की इज्जत और मोहब्बत की पवित्रता पर उसको बलि चढ़ा देती। मैं उसका खून कर देती, मैं उसका खून कर देती। ज्योति, दुख होता है, वो जो भी है, अगर हमसे ये सब ना करवाता तो हम दोनों का मिलन कैसे होता? पहुंच डालो इन आंसुओं को और मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ। मैं पिताजी को छोड़ने एयरपोर्ट गई थी। वापसी पर दो टैक्सी ड्राइवरों ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो दूसरी गोली तुम्हारे पैर पे लगी। रुक जाओ, मैं गोली मार दूंगी।
उनमें से एक का मेरे हाथों खून हो गया, लेकिन पता नहीं कैसे ब्लैकमेलर ने उस वक्त की मेरी तस्वीर ले ली। बीमार पिताजी ऑपरेशन के लिए चले गए, यहां से कोई भी नहीं था जिसकी मैं मदद ले सकती। मुझे उसकी हर बात माननी पड़ी, उसी के कहने से मैं होटल गई, तुमसे मिली और तुम्हारे साथ प्यार का नाटक शुरू कर दिया। धीरे धीरे नाटक ने सच्चाई का रूप ले लिया, मैं तुम्हारी मोहब्बत में डूब गई। उस दिन तुम्हारे प्यार के नशे में झूमते हुए मैं होटल पहुंची। खून मैंने किया है ताकि तुम लाश को हटा दो। मेरा प्यार मुझे रोक रहा था, होने वाली बदनामी मुझे डरा रही थी। मेरे पिताजी जो दिल के मरीज थे, इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैं मजबूर हो गई, मैंने तुम्हें बुलाया, तुम तो लाश लेकर चले गए और मुझसे होटल छोड़ देने को कहा गया। उस दिन से आज तक खून के आंसू रो रही हूं, और फिर कल तुम चाहते तो मुझे और मेरे पिताजी को भरी महफिल में शामिल कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इस बदनामी से बचने के लिए मैंने सब कुछ किया, सचिन ने बचा लिया। तुम्हारे इस बलिदान ने मेरे डर और बदनामी की जंजीरों से मुझे आजाद कर दिया। प्रकाश, मोहब्बत के मंदिर के वाकई तुम देवता निकले, लेकिन मैं मामूली पुजारन भी न बन सकी। तुम पुजारन नहीं ज्योति, देवी हो, और अब जब तक प्रकाश है ज्योति के जीवन में कोई भी अंधेरा नहीं छा सकता। लेकिन हम उस अंधेरे शैतान का कर भी क्या सकते हैं? वो तब तक अनदेखा था जब तक मैंने तुम्हारी कहानी नहीं सुनी, अब वो मेरी आंखों के सामने है। कौन है वो? कौन है वो प्रकाश? मेरे आने से आप कुछ परेशान हो गए? नहीं तो, एक इज्जतदार आदमी दूसरे इज्जतदार आदमी से मिलकर कैसे परेशान हो सकता है? वैसे आपके पिताजी के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करता हूं। जी हाँ, मैं जानता हूं, इसीलिए सीधा आप ही के पास आ गया, क्योंकि आप होटल के बारे में काफी तजुर्बा रखते हैं। अगर मेरे तजुर्बे से आपको कोई फायदा हो सकता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मिस्टर मार्शल, एक लड़की को होटल में रहने के लिए भेजा जाता है, उसके कमरे में एक लाश रखी जाती है जिसे उसका दोस्त बड़ी आसानी से होटल से बाहर निकाल कर ले जाता है, क्योंकि लाश रखने वाला यही चाहता था। और फिर लाश फेंकते वक्त की फोटो ली जाती है जिसके जरिए उस दोस्त को ब्लैकमेल किया जाता है। मेरा ख्याल है मिस्टर मार्शल, इतनी सारी बातें होटल वालों की जानकारी के बिना किसी होटल में नहीं हो सकती। आपका तजुर्बा क्या कहता है? मेरा ख्याल है कि ऐसा हो भी सकता है। आप मुझे उस होटल का नाम बताइए ताकि उस जगह के बारे में मैं सब कुछ समझ भी सकूं और आपको समझा भी सकूं। होटल मेरा ख्याल है आपके होटल जैसा है। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? नहीं मिस्टर मार्शल, मैं बहुत सीरियस हूं। मिस्टर प्रकाश, एक मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते मैंने होटल का काम संभालना सीखा है, होटलों की जासूसी करना नहीं। मेरा ख्याल है इस मामले में आपके पिताजी का तजुर्बा काफी काम आ सकता है। उसी तजुर्बे की वजह से मैं आप तक पहुंच सका हूं मिस्टर मार्शल। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं एक ऐसी चोट मारना चाहता हूं
जो 100 सुनार की लगने के बाद एक लोहार की हुआ करती है। मेरा मशवरा है कि आप जो भी कदम उठाएं सोच समझकर उठाएं, क्योंकि कई चोटें ऐसी होती हैं जो पलटकर मारने वाले को ही लग जाती हैं। मशवरे का शुक्रिया मिस्टर मार्शल, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरी चोट खाली नहीं जाएगी। मैं इंतजार करूंगा कि हमारी तरफ कोई नया कदम उठाया जाए ताकि मैं उसका ठीक ठीक जवाब दे सकूं। सी यू मिस्टर मार्शल, बेस्ट ऑफ लक। ये नया कदम तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा मिस्टर प्रकाश। पुलिस स्टेशन बंद। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए तशरीफ लाइए। कहिए, खैरियत तो है? मैं प्रकाश खन्ना को गिरफ्तार करने आया हूँ। गिरफ्तार? इंस्पेक्टर साहब, क्या आपने हमारी दी हुई जमानत को रद्द कर दिया? जी नहीं, मैं प्रकाश खन्ना और उनकी दोस्त ज्योति सेना को मर्डर चार्ज में गिरफ्तार करने आया हूँ। यानी कि आपका मतलब है कि सफा 302? जी हाँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अभी अभी बाहर से आया हूँ। आबिद मियाँ, जरा देखना प्रकाश मियाँ कहाँ है, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई है। अजी हजरत, वो तो सुबह से कहीं बाहर गए हुए। सुन लिया आपने? फिर भी मैं घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, आप मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते। आई एम सॉरी सर, मैं अपने फर्ज से मजबूर हूँ, मेरे पास सर्च वारंट है। औलाद, सब कमरों की तलाशी लो। वारंट है तो मजबूरी है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपको इस घर में सिवाय गालीचों के और कुछ नहीं मिलेगा, वो भी कश्मीरी या मिर्जापुरी। विदेशी माल को तो मैं हाथ ही नहीं लगाता। Thank you and I'm sorry letting me in. इंस्पेक्टर साहब, अब आप आए हैं तो चाय पीकर ही जाइए। जी नहीं, शुक्रिया। चलो, गालीचे पसंद आए? हेलो ज्योति, ज्योति मैं प्रकाश। सुनो मेरी बात, सुनो, पुलिस तुम्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार करने के लिए आ सकती है। क्या बात समझने की कोशिश करो ज्योति, अगर हम लोग पकड़े गए तो हम अपने आप को कभी बेगुनाह साबित नहीं कर सकेंगे। तुम जल्दी से घर से निकल जाओ और मुझे होटल अलोरा में मिलो, जल्दी। दरवाजा खोलो। मैं आपकी बेटी को अरेस्ट करने आया हूं। What do you mean? क्या जुम्म किया उसने? ये देखिए, ये उसका अरेस्ट वारंट। प्रकाश, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इसके सिवा कोई चारा नहीं था ज्योति, मुझे ये करना ही पड़ा। लटन मियां होंगे, मैंने उन्हें यहां बुलाया। प्रकाश मियां, गजब हो गया, उस ब्लैकमेलर ने आपकी फोटो पुलिस के हवाले कर दी और पुलिस ने हमें वार्निंग दी है कि 24 घंटे के अंदर हम आपको कानून के हवाले कर दें। मेरा अंदाजा ठीक निकला लटन मियां, कल सुबह तक या तो पुलिस को असली मुजरिम मिल जाएगा या प्रकाश खन्ना की लाश। गुड नाइट, गुड नाइट। प्रकाश, तुम्हारा अंदाज ये जाहिर कर रहा है कि तुम मुझे यहां देखकर हैरान हो, क्योंकि मुझे तो पुलिस की हिरासत में होना चाहिए था। मैं समझा नहीं। बैठे रहो मार्शल,
और बहुत जल्दी समझ जाओगे जिस तरह मैं तुम्हारे शैतानी दिमाग की चाल समझ चुका हूं। तुमने वही किया जो मैंने सोचा था। होटल के बारे में मैं राय लेने इसलिए आया था ताकि तुम मेरा हाथ अपने गिरेबां तक पहुंचते हुए देखकर आखिरी चोट करो और मैं तुम्हें एक चूहे की तरह दबोच सकूं। प्रकाश, किसी शरीफ आदमी पर बिना सबूत इल्जाम लगाना। सबूत तो तुम खुद अपनी जबान से दोगे मार्शल। लटन मियां, दरवाजा बंद कर दीजिए। आखिर आप लोग चाहते क्या है? मैं प्रकाश खन्ना अपने होश हवास में इस बात का इकरार करता हूं कि मैंने ज्योति को खून के इल्जाम में फंसाया। आगे पढ़ो मार्शल। मैं ये भी इकरार करता हूं कि होटल वाली लाश का कातिल भी मैं हूं जिससे मैंने अपने अजीज दोस्त लड्डन मियां की गाड़ी का इस्तेमाल किया। मेरा प्लान था कि मैं अपने पिता कमिश्नर खन्ना की जीप का फायदा उठाकर लाखों रुपए कमा लूंगा, लेकिन मेरे एक दोस्त की गद्दारी की वजह से मेरा वो प्लान फेल हो गया। अब जबकि कानून का शिकंजा मुझे किसी वक्त अपनी गिरफ्त में ले लेगा, मैं हारकर खुदकशी कर रहा हूं। प्रकाश खन्ना, लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब मैं समझाता हूं मार्शल। बैठे रहो मिस्टर मार्शल। ये दो गोलियां हैं, इसमें से एक नींद की है और दूसरी जहर की, जो 3 मिनट के अंदर इंसान को खत्म कर देती है। मैं समझा नहीं मार्शल। मेरी और ज्योति के बर्बादी के जिम्मेदार तुम हो, इसलिए मैं अपनी जिंदगी और मौत का सौदा तुम्हारी जिंदगी या मौत से करना चाहता हूं। हम दोनों ये ग्लास पियेंगे। अगर जहर का ग्लास मैंने पी लिया तो इस लेटर की वजह से सारे इल्जाम मुझ पर होंगे और तुम साफ बच जाओगे, और अगर जहर तुमने पी लिया मार्शल तो मरने से पहले तुम अपने जुर्म का इकबाल कर जाओगे ताकि ज्योति और मैं बच जाए। नहीं नहीं, मैं ये गिलास नहीं पीऊंगा मार्शल। मौत से बचने के लिए या जिंदगी पाने के लिए एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। याद रखो मार्शल, मैं तुम्हें अब भी मार सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूं। दोनों में से कोई भी क्लास चुन लो। चुकी हूं, पहले तुम पियो। अगर तुम बच गए तो अपने जुर्म का इकबाल करके मैं इसे पी लूंगा। ठीक है मार्शल। प्रकाश मियां, नहीं प्रकाश मियां, हम आपको ये नहीं पीने देंगे। हट जाइए लटन मियां, सारी जिंदगी जेल में सड़ने के बजाय मैं मर जाना बेहतर समझता हूं। नहीं प्रकाश मियां, हम ये आपको नहीं पीने देंगे। हट जाइए लटन मियां।
सॉरी मार्शल, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। इससे पहले मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। पिस्तौल फेंक दो। अब तो तुम्हें जहर पीना ही पड़ेगा मार्शल, और कोई चारा नहीं। मारे पीऊंगा, मारे पीऊंगा। तुम्हें पीना पड़ेगा मार्शल। नहीं। और ये भी बताना पड़ेगा कि तुमने खून क्यों किया। मैंने खून नहीं किया। मैंने खुद खून नहीं किया, दो तीन ने खून किया, और होटल से लाश पाई गई, उससे मेरा कोई हाथ नहीं। जिस वक्त तुम होटल से लाश निकाल रहे थे, मुझे किसी का फोन आया और मैंने लाश के साथ तुम्हारी फोटो ली, ताकि तुम्हारे पिताजी की जीप के साथ उसके जरिए स्मगलिंग कर सकूं। जिस दिन तुम धमकी दे रहे मेरे घर पर आए, वो फोटो मैंने पुलिस को दे दी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। तुम झूठ बोल रहे हो मार्शल, सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मैं तुम मियाँ सब खैरियत तो है ना? हम तो घबरा गए थे। घबराने की कोई बात नहीं लड्डन मियाँ, खेल खत्म हो चुका है। क्या मतलब? एक पैग मुझे भी दीजिए। मियाँ तुम शराब पियोगे? कहते हैं इसे दो वक्त पिया जाता है, खुशी में और गम में। मेरी जिंदगी में ये दोनों वक्त एक साथ आए। खुशी इसलिए कि मैंने उस ब्लैकमेलर को खत्म कर दिया है, और गम इसलिए कि अब अपनों से बिछड़ना पड़ेगा। पुलिस आ गई, प्रकाश में शायद तुम्हें पकड़ने आ रही है। तुम यहां से भाग जाओ, पीछे के रास्ते। उससे क्या होगा मियाँ? तुमने खून किया है, फंस गए तो सारी उम्र कैद काटनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ लड्डन मियाँ, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं। लेकिन तुम आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन किया था। मार्शल का खूनी मैं हूँ और उनकी लाश आपको। लाश पुलिस को मिल चुकी है मिस्टर प्रकाश। लड्डन मियाँ, आपने मेरी बहुत मदद की है, मुझे आपकी दोस्ती पे नाज़ है। दोस्त का आखिरी सफर है, मुस्कुरा कर विदा नहीं करोगे? जुदाई पर मुस्कुराने वाले दोस्त नहीं होते प्रकाश मियां। आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया, ये सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। झूठा इल्जाम? तो शायद ये तस्वीर आपने किसी ड्रामे की रिहर्सल के लिए खिंचवाई है।
और अगर ये तस्वीर किसी ड्रामे की रिहर्सल की है तो आप बता सकते कि आदमी कहाँ है, कौन है? जी हाँ, मैं बताता हूँ। ये तस्वीर जिस आदमी की है जस साहब, वो जिंदा है। ज्योति एक खिलाड़ी के खेल का शिकार होकर इस कठेरे तक पहुंची है, वरना जैसा वो निर्दोष है। तो दोषी कौन है? दोषी को उसके किए की सजा मिल चुकी है, वो मेरे हाथों मारा जा चुका है। जज साहब, कौन था वो? मार्शल। ये झूठ है जज साहब, मार्शल मेरे सामने मरा था, उसे किसी और ने मारा है। प्रकाश अपने ऊपर झूठा इल्जाम ले रहा है। ये सच है जज साहब, ज्योति कुछ नहीं जानती, से कुछ मालूम नहीं। मार्शल का खूनी मैं हूँ, खून मैंने किया है। नहीं, ये झूठ है, ये गलत है। अगर आप चाहें तो लदन मियां से पूछ लीजिए, वो सब कुछ जानते हैं। ये लदन मियां कौन है? ये प्रकाश। मैं हूँ जज साहब। लदन मियां, प्रकाश मुझे बचाने के लिए इल्जाम खुद पर ले रहा है, उसे बचा लीजिए। मैं कलाम पाक पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आज से 14 साल पहले कुछ पन्ने की तमन्नाओं के साथ बीकॉम की डिग्री लिए मैं सड़कों पर घूम रहा था। नौकरी की तलाश मेरा मकसद था, लेकिन जितना आसान डिग्री हासिल करना है नौकरी नहीं। एक दिन एक ऑफिस में मुझे मार्शल मिला, उसने मुझे एक चौहरी के यहां नौकर रखवा दिया। मार्शल मेरे लिए फरिश्ता था। आपकी दवा मुझे नौकरी दे दीजिए। लाख लाख शुक्र है, भारी भारी चीजें उठा रही। अम्मी जान, खुदा आपको सेहतमंद कर दे। क्या 250 रुपए की नौकरी देने का मकसद है? मकसद तो बहुत ऊंचे होते हैं मार्शल साहब, लेकिन तकदीर उन्हें पूरा कब होने देती है? तकदीर तो अपने हाथ में होती है। लखपति बनना चाहते हो? जी। जौहरी की तिजोरी में लाखों रुपए का माल है और तुम रात को वहां अकेले होते हो। मार्शल साहब, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बेईमान नहीं। अले मियाँ, बेईमानी ही अमीरी है। ईमान की नकाब तो गरीबों को बेवकूफ बनाने के लिए होती है। मालिक से वफादारी गरीबों की सभ्यता है मार्शल साहब, और मैं भी एक गरीब हूँ। आपकी अमीरी, आपकी बेईमानी आपको मुबारक हो। काश मैं आपका एहसान मंद न होता। शाबाश, वेरी गुड। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। तुम्हारी नौकरी के जिम्मेदार मैं हूं ना, इसलिए तुम्हें आजमा रहा था। सलीम, यू आर नॉन स्पैन, यू आर नॉन स्पैन। मार्शल की बात से मैं मुतमईन हो गया। एक रात सेठ के घर काम करते करते मैं सो गया, इसने मैं कुछ आवाजें सुनाई दी। जो उंगलियों के निशान है वो इसी आदमी के हैं। मैंने खून नहीं किया, वो मेरा मालिक था, मैंने उसे नमक खाया। इतनी थोड़े खाने के बाद मुझे पहली मौकी मिली। ये मेरी बीवी के, मेरी बुढ़िया मांगी रोटी का सवाल था। मैंने खून नहीं किया था, मैंने खून नहीं किया। ना पता आपकी कदम का जो कैसा हो, मैंने खून नहीं किया, नहीं किया। शेख गुलजारी लाल के कत्ल के जुर्म में जेरे दफा 302 ताजिरात हिंद की रूह से अदालत तुम्हें 14 साल कैद बमशक्कत की सजा देती है। कानून ने झूठे सबूतों को सच समझकर मुझे सजा दे दी।
वहां की मेहनत, भूख, प्यास और तड़प के बदले मिली हुई डिग्री पर बुद्ध की छाप लग गई। नजर के सामने मां, बीवी और होने वाले बच्चे का चेहरा घूम रहा था कि उस मासूम का क्या होगा। क्या अचानक एक पेड़ गिरा? मैंने मौके का फायदा उठाया। कमिश्नर खन्ना जो इस वक्त इंस्पेक्टर थे, मैंने चलती जीप से उन्हें धक्का दे दिया और भागकर सीधा घर पहुंचा। अम्मी जाने को छोड़ के जा रही है। अम्मी जान, हम छोड़कर नहीं जा सकती। जाना चाहिए था, लेकिन जाने की उस तकदीर मुझे भगा लाई और पनाह लेने के लिए मैं मार्शल के घर पहुंचा। मार्शल उन्हीं जेवरात का सौदा कर रहा था। माल तो देख लिया, दाम बोलिए सेठ जी। 5 लाख से हम ज्यादा नहीं दे सकते सेठ जी। चोरी का माल समझकर दाम कम मत लगाइए, माल तो असली है। कुछ भी हो, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अगर आप कहते हैं तो मैं 6 लाख आपको दे दूंगा। 10 लाख से कम नहीं होगा। आओ सलीम मियां, आओ। तो तुम हो मेरी बर्बादी के जिम्मेदार। मैंने कहा था ना सलीम, बेईमानी अमीरी है, मैं बेईमान हूं, इसलिए मेरे हाथों में लाखों रुपए के जेवरात हैं। तुम ईमानदार हो, इसलिए तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां हैं। इन हथकड़ियों की जिम्मेदार ईमानदारी नहीं मार्शल, इन हथकड़ियों का जिम्मेदार एक बेईमान है, और वो बेईमान लेकर भागा। सोचा उन्हें पुलिस के हवाले करके मार्शल को पकड़वा दूं, लेकिन उससे क्या होता, मुझ पर लगा हुआ एक इल्जाम धुल जा। मेरी मां मुझे एक बुरा आदमी समझते हुए मर गई, मेरी बीवी इंस्पेक्टर खन्ना की गोली से खत्म हो गई, मेरा बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया था, मैं बर्बाद हो गया था। चट्टा दिल में इंतकाम की ज्वाला भड़क उठी, मैंने बदला लेने की ठान ली, जेवरात को छुपा दिया और अपने आप को कानून के हवाले कर दिया।
14 साल जेल की जंग आलूदा सलाखें, अंधेरी कोठरी की घुटन और पिस्ती चक्कियों ने मेरे इंतकाम को और भी मजबूत बना दिया। जेल से छूटकर मैंने वो जेवरात बेच डाले। सबसे पहले मैंने उस नौकर को जिसकी झूठी गवाही पर मुझे सजा दी गई थी खत्म करवा दिया। लड्डन मियां कारपेट वाले की नकाब में अपने आप को दुनिया की नजर से छुपा लिया। अब मेरे सामने सिर्फ उन लोगों से इंतकाम लेना बाकी था जो मेरी बर्बादी के जिम्मेदार थे। मार्शल जिसने मुझे फंसाया था, ये कमिश्नर साहब जिनकी गोली से मेरी बीवी और बच्चा मरे, हाँ, और ये रिटायर्ड जज जो मरहूम सेठ के हम प्याला हम निवाला थे उस वक्त कानून की ऐसी ही कुर्सी पर बैठे थे जिस पर आज आप थे। मैं इन सब की जाने ले सकता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। किसी के सच्चे जज्बे का ख्याल जो इन्होंने नहीं किया था मैं इन्हें कराना चाहता था। अपने वफादार आचार्य के जरिए जज साहब की बेटी ज्योति को मैंने झूठे खून के इल्जाम में फंसा दिया और फिर प्रकाश और ज्योति को मोहब्बत के खेल में उलझा दिया। और जब प्रकाश मियां टैक्सी ड्राइवर की लाश ले जाने वाले थे तो मैंने मार्शल को फोन कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि किसी की भी मजबूरी से फायदा उठाने वाला मार्शल प्रकाश मियां से खेलेगा। तो खेला जज साहब और इतना खेला कि उसके खुद का खेल खत्म हो गया। मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाले हर जालिम से मैंने बदला ले लिया है। यहां तक कि जवान उमंगों से भरपूर ज्योति और प्रकाश को ऐसा उलझा दिया कि आपका कानून उन्हें सजा देने पर मजबूर हो गया जबकि ये दोनों बेकसूर थे जैसा कि मैं बेकसूर था। जज साहब, जज साहब, मैं एक दिन ऐसे ही कचहरे में खड़ा सच्चाई और इंसाफ की भीख मांग रहा था क्योंकि मैं बेकसूर था लेकिन किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं समझा। आज मैं अपने हर जुर्म का इकबाल करता हूं। मैं खूनी हूं, ब्लैकमेलर हूं, मासूम जज्बातों से खेलने वाला जालिम हूं। मुझे सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी सजा, लेकिन अगर हो सके तो सजा के साथ मेरी मां की तमन्नाएं, मेरी जवानी के दिन, मेरी बीवी, मेरे बच्चा, मेरी ख्वाहिशात में मुझे वापस दिला दीजिए। और अगर नहीं वापस दिला सकते तो क्या हद था इन्हें मुझसे छीनने का, क्या हद था मेरी जिंदगी को बर्बाद करने का, मुझे तबाह करने का? बताइए ये क्यों सब किया गया, क्यों? जब साहब मेरी मां, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी तमन्नाएं लौटा देना आपके बस में नहीं है। आप सिर्फ मुजरिम को सजा दीजिए। प्रकाश मियां, आपने पहचाना नहीं? ये ज्योति है आपकी बहू। ज्योति बेटे, हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। एक शरीफ खानदान की नेक लड़की को हमने अदालत के कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। हम अपने आप को उसकी बात नहीं कर सकते। लटन चाचा, पिताजी भी अपने आप को माफ ना कर सके। मरते दम तक उनकी जबान पर आप ही का नाम था। लो प्रकाश मियां, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। ऐसा मत कहिए लड्डन चाचा, आपका साया हमेशा हमारे सर पे रहेगा। कहाँ जा रहे जी? आपको ये चले की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मम्मी और पापा ने सब कुछ बता दिया। अब जब मैं आपकी चड़ी बनूंगा। माशाल्लाह मियां, तुम्हारे एक ही जुमले ने इन बूढ़ी हड्डियों में फिर से जान डाल दी। अब तो हम तुम्हें फर्श से उठाकर आज का साथ बना सकते हैं।